हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, नॉमिनेशन ऑफ प्रमिला मलिक, उड़ीसा फर्स्ट वुमेन स्पीकर। तो ये प्रमिला मलिक जी हैं, इंडिया उड़ीसा की पहली वुमेन स्पीकर। इज नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर, देखते हैं क्या है। द नॉमिनेशन ऑफ उड़ीसा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर प्रमिला मलिक। तो पहले क्या, ये मतलब रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर हैं, अब ये स्पीकर बनी है बाय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। मे बी परसीव्ड एज अ सिम्बॉलिक जेस्टर एमिड द डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। ये बोला जा रहा है कि ये सिम्बॉलिक जेस्टर है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रहा है आपके वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के ऊपर। बट इट इज कंसिस्टेंट विद द वेटरन चीफ मिनिस्टर्स एफर्ट टू नर्चर हिज कोर वोट बैंक डेट इज वुमेन। तो ये उनका कोर वोट बैंक भी है वुमेन, इसके लिए भी ये मूव हो सकता है। द रूलिंग बीजू जनता दल BJD is banking on the support of women in the upcoming assembly's poll to return to power for a record sixth term. Given the brute majority that the party enjoy in this assembly, Miss Malik is all set to become the state's first woman speaker on Friday. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्टेट की पहली वुमेन स्पीकर। फादर्स लेगेसी, देखिए क्या है। मिस्टर पटनायक इज कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ हिज फादर बीजू पटनायक, जिनकी ये पार्टी है बीजू पटनायक, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू इनिशिएटेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इन 1991 द उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट दैट इज 1964 वॉज अमेंडेड टू मेक सच प्रोविजन। तो ये पहले थे बीजू पटनायक जी जिन्होंने 33% रिजर्वेशन लाया था पंचायती राज में वुमेन के लिए। ठीक है, 1991 में उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट जो 1964 का था, ये अमेंड हुआ था और ये 33% रिजर्वेशन वाला प्रोविजन ऐड किया गया था। ईयर लेटर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज रिस्पेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब कंट्री में जब हुआ था उससे पहले उड़ीसा में बीजू पटनायक जी ने किया था। मिस्टर पटनायक वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन पासिंग द उड़ीसा पंचायत लॉ अमेंडमेंट बिल 2011 रेजिंग द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज टू इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 33% टू 50% विच केम इन टू फोर्स ड्यूरिंग 2012 पोल्स। तो वहाँ के पंचायती राज में 33 से उन्होंने उसको 50% रेस कर दिया है, उड़ीसा पंचायत लॉ अमेंडमेंट बिल 2011 में, और वो हुआ है 2012 से ये फोर्स में भी आ चुका है। फाइव वुमेन मिनिस्टर्स इन 2019 लोकसभा पोल द सीएम हैड फील्डेड फील्डेड वुमेन फ्रॉम 7 आउट ऑफ 21 सीट्स। देर आर नाउ फाइव वुमेन मिनिस्टर्स इन द 21 मेंबर स्टेट कैबिनेट। इन 2018 द बीजेडी पास्ड अ रेजोल्यूशन इन असेंबली सीकिंग 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। मिस्टर पटनायक ऑल्सो रोट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर सीकिंग देयर सपोर्ट। तो ये पहल उन्होंने पहले की है और आप देखिए सबसे उन्होंने सपोर्ट भी मांगा है। मिशन शक्ति, द सीएम लॉन्च मिशन शक्ति टू प्रमोट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन 2001। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इट हैज हेल्प फ्रॉम 6 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद 70 लाख मेंबर। मिशन शक्ति लेटर बिकम सेपरेट स्टेट डिपार्टमेंट। तो अब ये स्टेट का सेपरेट डिपार्टमेंट बन चुका है मिशन शक्ति। इन मेजोरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स बींग अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एन एलिमेंट ऑफ वुमेन इंटरेस्ट कैन बी फाउंड सेड रविदास वेटरन जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। तो इन्होंने बोला जो स्टेट की पॉलिसीज है उसमें भी हम उसमें वुमेन इंटरेस्ट को देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, देखिए, एक होता है थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे जो BJD पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, ये बीजू जनता दल, ये बनाई है बीजू पटनायक जी ने, और आज उनके जो बेटे हैं वो है आपके ये रहे नवीन पटनायक जी। तो बीजू पटनायक जी एंड नवीन पटनायक जी, ठीक है, आप देखिए ये इनकी लेगेसी कैरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1991 में पहले 33% अपने वहाँ पे पंचायती राज में वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर दिया था। ठीक है, उसके बाद से 2011 में इन्होंने, आप देखिए, वो सीट्स को 33% से रेस कर दिया 50% पे। ठीक है, ये आपका स्टेट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है
वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मिशन शक्ति अब वहाँ का एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन चुका है, ठीक है। इन्होंने पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में 33% वुमेन के लिए पहले ही नरेंद्र मोदी जी और बाकी सारे चीफ मिनिस्टर से सपोर्ट गेन करने की कोशिश कर ली है। 21 में से आप देखिए नाउ 5 इनकी वुमेन मिनिस्टर स्टेट कैबिनेट में है, और 7 out of 21 सीट्स आपके फील्डेड वुमेन की है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका हाफ, अगर 20 मानता हूँ तो हाफ 10 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा आपका, तो 1/4, दैट इज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 22-23% की बात हो रही है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है रिजर्वेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। एंड ये आप इनका नाम याद रखिए, प्रमिला मलिक, उड़ीसा की पहली वुमेन स्पीकर बनी है अभी ये रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो यही चीज़ था इस आर्टिकल में हमारे लिए। उड़ीसा पंचायती लॉ 2011 में 33 से 55 किया गया, और इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले 33 रिजर्व किया 1991 में, अब ठीक है, एक्ट को अमेंड करके उसके बाद बाकी सारे जगह अमेंडमेंट्स हुए। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इनका रोल जानना जरूरी था, कैसे उड़ीसा की जो सीएम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पहले से काम कर रहे हैं, उनकी क्या लेगेसी है, उनके बच्चे वही लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये प्रमिला मलिक जी हैं, ये वुमेन स्पीकर बनी है, और मिशन शक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे अब वो एक वुमेन यहाँ पे स्टेट में एक डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट बन चुका है। इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना ही था इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड। थैंक यू।